तो अभी हम आ चुके हैं जंगल के पास में, बहुत जहाँ से हम अपनी डिस्टेंस पे पहुँचने वाले हैं। तो ये आपको गड्ढा दिख रहा है, तो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट बार आया था तो ये घर के सामने यहाँ पे गड्ढा 5 सालों से ही है, काफ़ी सालों से। तो यहाँ पे जब मैं आया था तो यहाँ पे एक कुत्ता था, और फर्स्ट बार तो मैं ठीक से बाइक चला नहीं पा रहा था, तो कुत्ता मेरे को ही भौंक रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं काट ना दे इसी गड्ढे पे, तो मैं फर्स्ट बार ड्राइव नहीं कर पा रहा था बाइक को। तो मेरे को याद है, अभी यादें ताज़ा हो गई। तो जंगल के पास में यहाँ पे कुछ लोगों ने घर बना रखा है, तो यहाँ से जंगल पास में ही इस, और रात में यहाँ पे हाथी वगैरह आ जाता है, तो इस साइड प्रोटेक्शन के लिए दीवार बना रखा है जो पत्थर की है, रॉक की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दीवार है। इस साइड पूरा जंगल ही है, जंगल एरिया की वजह से इस साइड सभी ने अपना गेट लगवा रखा है घर के पास में, जंगली जानवर वगैरह आने का डर रहता है। और अभी हम जंगल की साथ साइड जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो हमारे साथ वाले आगे जा रहे हैं। तो ये है वो, ये अभी ठीक से चला नहीं पा रहा है। तो ये आपके सामने अभी ये दिख रहे होंगे क्वार्टर्स, ये फॉरेस्ट विभाग के अंदर आते हैं ये क्वार्टर्स जो भी हों, यहीं से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो ब्रजेश अभी चला नहीं पा रहा है, अभी न्यू बाइक ली है। तो अभी कितना भगा रहा है, ऐसा लग रहा गिरा ना दे। तो अभी हमें यहाँ पे बंदर दो बैठे हुए हैं, मंकी दोनों। तो इस साइड हमें रेत भी मिलेगी, तो यहाँ का बैलेंस इस बैलेंस होता है। हाँ, तो यहाँ से हम जाने लगे। अब यहाँ से कई सारे पेड़ फाड़ेंगे जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे सागवान, लिप्टिस वगैरह, सीसम एक्सेट्रा, और न्यू कैटेगरी के भी हैं, हम जानते भी नहीं। जो आपको अभी ये बजड़ी दिख रही होगी, तो हम इस पर ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते, यहाँ से अगर हाथ सेट नहीं होते हैं बाइक तो यहाँ से गिर भी जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि ये पत्थर हैं चट्टान, तो कभी भी कहीं भी हैंडल मुड़ सकता है। तो आगे लंगूर बैठा हुआ है, मैं लंगूर के पास में ही जाता हूँ। क्या हमें देख के भागता है लंगूर, या हम भागते हैं? ये देखो लंगूर। तो यहाँ पे चौकी है फॉरेस्ट विभाग की, तो यहाँ से लकड़ी वगैरह फार होती होंगी या चेकिंग के लिए जो भी है, तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। ये फुल है, ये यहाँ पे जंगल में, और यहाँ से और भी घना जंगल आता हुआ। तो अभी हमें इस रूट पे जाना है, ये वाली रूट ठीक लग रही है। तो जंगल में आप अकेले ना आइएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अभी हम ये सागवान वाले प्लाट पे आ चुके हैं, तो ये लकड़ी इसकी बहुत कीमती होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो इनका एक फ्रेम होता है वो भी बहुत महंगा मिलता है, जो लकड़ी दिख रही है। लोग लकड़ी करके आ रहे हैं। हाँ, ये हैं बकरियाँ हमारी बीच रास्ते में आती हुई, ये कितनी सारी छोटी हैं, लगता है वह अभी हुई होंगी। ये कौन सी वाली रोड पे चलें बताओ? चलो कुछ नहीं, दोनों एक ही जगह निकालेंगे। तो हम और भी अंदर की साइड आ चुके हैं जंगल की, तो ये वाली रोड पीछे की तरफ ले जाती है। ये यहाँ से बजरी रोड स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे कुछ अब दूसरा प्लॉट आ चुका है, इस वाला प्लॉट है। अब यहाँ पे आपको लिप्टिस वाले पेड़ ज़्यादा मिलेंगे, तो अभी हम इस साइड निकलते हैं।
तो अभी हम ये न्यू जगह पे जा रहे हैं, ये लोकेशन हमने देखी नहीं है इससे पहले। जंगल के साइड पेड़ वगैरह होते हैं तो ऑफ रोड पे हमें स्लो चलाना चाहिए, क्योंकि हम जब बाइक को मोड़ते हैं तो हमारी फिसल सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये अचानक बीच में ही पेड़ आ जाते हैं, रास्ता छोटी सी बनी होती है। यहाँ से ट्रैक्टर आ रहा है, यहाँ से कटान वगैरह का काम चल रहा है, यहाँ से ये ट्रैक्टर आ रहे हैं, ये वो वाली रोड आ चुकी है, ये बजरी वाली रोड आ चुकी है, आरसीसी वाली रोड। तो यहाँ से अभी एक ट्रैक्टर और बचा हुआ है, तो हमारे साथ वाले भी आ गए पीछे की साइड। तो ये जंगल के साइड से कुछ लोग ट्रैक्टर में जड़ ला रहे हैं, जो लकड़ी होती है जलाने के लिए काम आती है। और जब भी आप ये ट्रैक्टर वगैरह देखते हैं ओवरलोड, तो आप इनसे बचें ज़रा। तो ये वाली आरसीसी वाली रोड है। तो अभी हम आ चुके हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो ये वाली रूट हमें ले जाएगी सेना पानी की तरफ, वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये काफ़ी आगे तक है और घना जंगल है, तो हम ज़्यादा देखते हैं कहीं कोई जानवर ना मिल जाए, हाथी वगैरह यहाँ से पार होते हैं पानी पीने के लिए। तो हम चले, अभी तो अकेले हैं। तो यहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से शेर उर भी मिल सकते हैं, हाथी भी तो मिल जाते हैं। ये निकालती है सेना पानी, जो हेडक्वार्टर इनका है, यहाँ पर आपको पास में ही घना और जंगल है, झाड़ी या बहुत हो चुकी हैं। तो पास में ही अगर शेर वगैरह होगा कुछ तो पता ही नहीं चलेगा, वो बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत तेज होते हैं। और ये हमारा पीछे कुछ फ्रेंड क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो हम घर की साइड चले, तो आगे से टेम्पू वाला आ रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये भी हेडक्वार्टर जा रहा होगा अपने, जहाँ फॉरेस्ट क्वार्टर होंगे। नहीं, यहाँ पे जंगल में कुछ गोट वाले हैं, जैसे जंगल में कुछ घर बना रखा है, तो उसी साइड जा रहे हैं कुछ लोग। तो ये आगे वाली रोड आपको किसी दिन घुमा के लाएंगे, आज तो मन बहुत घूम लिया हमने आज। तो अभी हम अब आ चुके हैं ये लिफ्ट्स वाले प्लॉट पे, तो यहाँ से बम्बा बना रखा है पानी जाने के लिए बरसात के टाइम, और बारिश के समय यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये वाली रोड हमें निकालेगी विलेज की तरफ, लोकल एरिया की तरफ। तो अभी हम जब भी आप जंगल की साइड आओ तो अकेला ना आए, कोई अपने फ्रेंड के साथ आए या कोई किसी गाइड को लाइए, क्योंकि आप जंगल में कुछ भी कोई जानवर मिल सकता है, किसी को नहीं पता कब कहां से आ जाए। और पे हाथी भी बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं एक किलफुरा रेंज पे। तो हाँ, मेरे को याद आया, मेरे साथ वाले का पिताजी एक फॉरेस्ट गार्ड था, तो उसको हाथी ने मार दिया यही जंगल में ही। तो हाथी भाई, हाथी बहुत सतर्क रहते हैं जानवर। तो मेरा साथ वाला यहाँ इस साइड कितना भगा रहा है और धूल भी उठा रहा है, फ़ोटो शूट करें या नहीं करें। यहाँ पे हमें स्लो चलाना पड़ेगा, ये वाला सागवान वाला प्लाट है। तो हमारा साथ वाला बहुत आगे निकल चुका है, तो हम भी थोड़ा फास्ट चलाते हैं, इतना भी फास्ट नहीं कि हम अपनी गाड़ी को मोड़ भी ना पाए इन पेड़ों के बीच में। अगर बैलेंस बिगड़ता है, ये बंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं, दोनों बंदर हैं हमें हमारी तरफ देख रहे हैं। तो हम जंगल से बाहर निकल चुके हैं, कुछ थोड़ा इलाका बचा हुआ है।
यहाँ पे कुछ घर आने लगे हैं गोट वालों के, जो जंगल में रहते हैं उन्हें गोट वाले कहते हैं, गोटों के घर। ये छोटा सा गोट है, इन्हें मैं सोच रहा हूँ इन्हें डर नहीं लगता होगा जानवरों से, ये बीच जंगल में रहते हैं, घर इनका है इस साइड। तो अभी हम आ चुके हैं वजरी वाली रोड पे, तो आगे कुछ लोग रनिंग करने के लिए जा रहे हैं या टहलने के लिए, लोकल विलेज के लोग। आगे कुछ बच्चे आ रहे हैं जो हमारे साथ वाले ही हैं। तो ये अभी ऑफ रोड आ चुकी है हमसे, ठीक तरह से बाइक नहीं चल रही है, वजरी वाली रोड है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो हम सीधे नीचे गिरेंगे। आगे फॉरेस्ट विभाग का क्वार्टर्स है, यहीं से यहीं पे रहते हैं नाइट नाइट के लिए। तो अभी हमें जाना है लेफ्ट राइट की साइड, चलें।